हाय हेलो गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कॉलेज में है सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जैसे कि आपके सामने ये डिस्प्ले है, सा रे गा मा मीन्स स्टार्टिंग है हमारे सिंगिंग कॉन्टेस्ट की, जो कि चार हाउसेस में है। और हम आगे रुक करेंगे, उन बच्चों की तरफ मिलेंगे, उनके गानों को सुनेंगे, जजेस अपना डिसीजन लेंगे कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है या किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो ये हमारा स्टेज तैयार हो चुका है और बस थोड़ी देर बाद हमारे कंटेस्टेंट जो भी हैं चारों हाउसेस के, वो आ जाएंगे यहाँ पर और शुरू होगा हमारा आज का प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आज स्टेज पर सज चुकी हैं, मतलब ट्रॉफीज़ आ चुकी हैं। ये है हमारी ट्रॉफीज़ जो कि सीनियर कैटेगरी की हैं, उसके बाद जूनियर आता है हमारा, उसके बाद प्राइमरी आता है हमारा। तो ये सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, वेट है सिर्फ ऑडियंस का। ये खाली कुर्सियाँ कुछ देर में भरेंगी क्योंकि आएगी हमारी ऑडियंस मींस हमारे बच्चे। तो हम चलते हैं बुशरा मैम से, जानते हैं कि किस कैटेगरी में ये प्रोग्राम है, कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन हाउसेज हैं और क्या होने वाला है आज। तो ओवर टू बुशरा मैम। जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इरफान सर्स व्लॉग। तो कुछ भी बोलने से पहले आई वांट टू टेल यू अ कोट, म्यूजिक बाइंड्स आवर सोल हार्ट्स एंड इमोशंस, इट चीयर्स द स्पिरिट एंड लाइटन्स द हार्ट। किसी ने बहुत सही कहा है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर तक पहुंच जाती है, हमारे रूह तक पहुंच जाती है। म्यूजिक हमें रिलैक्स करती है और शायद ये एक ऐसा इवेंट है जिसका बच्चे साल भर इंतज़ार करते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन एनी हाउ, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से प्रैक्टिस करवा रहे थे तो हमें पता है कि बच्चे मैम मुझे ले लीजिए, मैम मुझे ले लीजिए, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपना टैलेंट को शो करने के लिए और इससे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं। अच्छा, स्कूल लेवल पे सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का एक रीज़न ये भी होता है कि बच्चों में बचपन से ही ये एक जो क्वालिटी होती है सिंगिंग की, म्यूज़िक की, वो इनकलकेट हो जाती है। इससे ये होता है कि बच्चों को स्कूल लेवल पे ही पता चल जाता है कि वेदर दे हैव दिस क्वालिटी और नॉट, उनको स्कूल लेवल से ही ये नॉलेज हो जाती है और वो आगे चल के इस चीज़ को अपनी और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और पेरेंट्स भी ये चीज़ जानते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, अगर वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है देन दे कैन मेक द करियर ऑल्सो इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। सो आज हमारे स्कूल में वी हैव इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो इस कॉम्पिटिशन में भी वी हैव फोर हाउसेज, चार हाउस है हमारे, होप लव यूनिटी एंड पीस। तो सारे हाउसेस से दो बच्चे रिप्रेजेंट होंगे हमारे सामने जो कि अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, रिदम और टोन से हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवाएंगे और अपने सॉन्ग्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट करेंगे। चारों हाउसेस के दो दो बच्चे होंगे और उनको अलग अलग प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हमारे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि हमारे स्कूल में म्यूज़िक कॉम्पिटिशन जो हमारा लिरिक्स होती है, लिरिक्स के साथ साथ जो हमारी बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है उसके साथ होता है, ताकि बच्चे आगे चल के आगे हायर लेवल पे जब स्कूल में कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, तो उन्हें दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर सिर्फ हम लिरिक्स पे ध्यान देंगे और पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक छोड़ देंगे तो बच्चे आगे चल के इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे म्यूज़िक के साथ। तो वी विल हैव द बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑल्सो इन द बैकग्राउंड, जिससे हमारे बच्चे दोनों आपको अच्छे से इन्जॉय कर सकेंगे। तो इस व्लॉग में देर तक बने रहिए और हमारी परफॉर्मेंसेस को इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बुशरा मैम ने बताया कि किस कैटेगरी में है और क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। तो आगे हम जानेंगे, देखेंगे बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के साथ। तो मिलते हैं आगे बच्चों से। हाय एवरीवन, हाय हाय। उसके बाद आती बारी हमारे जजेस के। तो प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, मिश्रा सर, शहबाज सर, अजीम सर, ये आज के हमारा पैनल है जो आज इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन को जज करेगा और बताएगा कौन होगा आज का विनर। गाइस, ये है हमारे प्राइमरी सेक्शन के कंटेस्टेंट जो सॉन्ग को सिंग करेंगे अलग अलग हाउसेस से। जैसे आप देख रहे हैं कि इनके हाथ एच, फिर यू, फिर पी एंड देन एल, मींस होप यूनिटी पीस एंड लव हाउसेस के बच्चे हैं ये, जो अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए खड़े हैं, तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इनका नाम बुलाया जाए तो ये जाएं। क्यों बेटा, है कि नहीं, क्या करने जा रहे हैं? बेस्ट ऑफ लक।
एक गेस्ट अपेयरेंस ही हमारे लिए आरव ठाकुर, जो अपनी बहन के लिए गाना गाना चाहता था, तो वो स्टेज पर आया, उसने गाना गाया। उसके बाद नंबर आता है हमारे जूनियर सेक्शन का, तो ये हमारे जूनियर बच्चे जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। I'm never
जब हम मिलते हैं अपने सीनियर कंटेस्टेंट से जो लाइन से तैयार हैं खड़े हैं। हेलो एवरीवन, हेलो, वन बाय वन प्लीज टेल योर नेम। अनम, शुमैला, अब्दुल्ला, तनवीर, ईशान, अनमता रिजवी, राइट ना, आस्था गौतम, मोहम्मद अयान, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। किसी को मिले जीतेंगे हम सब, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। Okay, Shumaila, so would you like to tell us what is your song? Sagar.
तो अब ख़त्म होता है तीनों सेक्शन का सिंगिंग प्रोग्राम, अब बारी रिजल्ट की और जजेस हमारे कंपाइल कर रहे हैं रिजल्ट, तब तक कि इन बच्चों से मुलाकात हो जाए और ये बच्चे सब चेयरिंग मूड में हैं, सब हाई वाई करते हुए, क्योंकि इन्हें भी पता हो चुका है कि अब हमारे सामने आ रहा है रिजल्ट जो कि प्राइमरी सेक्शन का पहले है। तो मैम आई और मैम ने रिजल्ट को अनाउंस किया, तो पहला प्राइज़ जाता है अलीज़ा खान के पास, सेकंड साइफा के पास और थर्ड है रोज़ी और दो कॉन्सोलेशन रमज़ा और रुशान। ये सारे बच्चे चेयरिंग मोड में अपने अपने पार्टिसिपेंट को मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्शन में फर्स्ट प्राइज़ जाता है अयास का, सेकंड सारा, थर्ड इकरा और दो कॉन्सोलेशन नशरा और अवान को कॉन्सोलेशन प्राइज़ जाता है। तो ये हमारे बच्चे जूनियर सेक्शन के जो अपने पोजिंग करते हुए प्रिंसिपल मैम के साथ। उसके नंबर बाद नंबर आता है हमारा सीनियर सेक्शन का, तो दो कैटेगरीज़ बॉयज़ और गर्ल्स में, तो गर्ल्स का पहला नंबर आता है, तो गर्ल्स में फर्स्ट प्राइज़ मिला हमारी अनमता को, सेकंड मिला आस्था को और थर्ड प्राइज़ गया हमारे वैशाली को। उसी तरह बॉयज़ में फर्स्ट प्राइज़ गया अब्दुल्ला तनवीर को, सेकंड गया अयान को और थर्ड गया ईशान को। तो गाइज़ कैसे लगा आज का ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड इसी तरह प्यार मोहब्बत देने के लिए। बाय बाय टू एवरी वन।